हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं रोहित चौहान एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में एक नए ट्यूटोरियल के साथ। 2016 में आई थी एक मूवी बार बार देखो। हालांकि मूवी को ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं, मगर उसके गाने काला चश्मा को बार 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 सुना और बहुत बड़ा हिट बनाया। आइए दोस्तों, आज हम इसी गाने पर हिंदी में डांस ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए मेरी असिस्टेंट सोनाली हैं। गाने की शुरुआत में, जैसे ही गाना शुरू होता है, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा फ्री स्टाइल में, अपने स्टाइल में डांस स्टार्ट करके इस परफॉर्मेंस की शुरुआत करें। अब आप क्या कर सकते हैं वो आप इस ट्यूटोरियल का डांस पार्ट देख के आप समझ जाएंगे। कुछ सजेशन मैं आपको दे दूँगा या मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सा अपना ही स्टाइल में आप शुरू करिएगा डांस। या तो स्टेज पर आप एंटर कर लीजिए, या तो स्टेज पर रहकर ही आप एक सर्कल कर लें, बट एंड ऑफ द मोमेंट आप अपना फेस इसे पीछे टर्न कर लें। शुरू हुआ, आपने स्टेज पर एंट्री करी थोड़ा सा डांस करके फ्री स्टाइल में, और फेस पीछे करके आपने फिनिश किया। अब इसके आगे मैं आपको इस ट्यूटोरियल में स्टेप्स बताऊँगा। तो जैसे ही हमारा फेस पीछे हुआ, आपने एंटर किया, 16 काउंट्स के बाद एग्जैक्टली आपको हाथ ऐसे पंच करके ऑडियंस को फेस करना है। थोड़ा सा हाफ टर्न करने के साथ एक ट्यून कैच करना है, दूसरी ट्यून कैच करना है, दोनों हाथ से ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है, तीसरी ट्यून के स्टार्ट में आपको हाथ ऐसे थ्रो करना है और एक पोजीशन ले लेनी है। अब वो पोजीशन गर्ल्स और बॉयज़ के लिए के हिसाब से थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। बॉयज़ इस तरह अपने हाथ एक के ऊपर एक रख के करें, गर्ल्स अपना हाथ कमर पर ऐसे रख लें, बॉयज़ हाथ शेक करें नेक्स्ट जो ट्यून आएगा, और गर्ल्स कमर का मूवमेंट करें जो नेक्स्ट ट्यून आएगा। तो इतना मैं आपको करके बताता हूँ। जैसा पीछे हमारा फेस हुआ, फर्स्ट ट्यून पे पंच करके हम सामने आए, सेकंड ट्यून पे आपने दोनों हाथों से सर्कल ड्रॉ किया, थर्ड ट्यून पे हाथ थ्रो करें, एक पोजीशन ले लिया गर्ल्स बॉयज़ की दोनों की अलग। इतना हम गाने पर देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हमें नेक्स्ट ट्यून के लिए रेडी रहना है। हमें अपना लेफ्ट पैर साइड में रखने के साथ राइट हाथ अंदर की तरफ पुल करना है, खींचना है, और साइमल्टेनियस उसी टाइम पर आपको राइट पैर दो दो बार उठाना है। तो दो बार राइट हैंड के साथ, दो बार लेफ्ट हैंड के साथ, फिर सेकेंड टाइम आप दोनों हाथों के साथ अपना पैर दो बार उठाइए और यही मूवमेंट कंटिन्यू कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पर दो बार के साथ। इस मोमेंट के ठीक बाद आपको पैर उठाकर रखना है, पैर थोड़ा सा हवा में ही रखिएगा। उसको नेक्स्ट मोमेंट के साथ नीचे रखने के साथ भांगड़ा स्टाइल में ऑडियंस की तरफ मूव करना है तीन मोमेंट्स के साथ, और एक क्लैप करना है। सेम मोमेंट आपको राइट साइड राइट पैर के साथ थोड़ा भांगड़ा स्टाइल में तीन मोमेंट करके आप प्रोफाइल पर आ जाओ और एक क्लैप के साथ उसे फिनिश करो। अब इसके जैसे ही आपने ये मोमेंट फिनिश किया, क्लैप किया, आपको लेफ़्ट पैर बिल्कुल उठाकर रेडी रखना है अपना, ताकि आप चलकर एक सर्कल पूरा चार काउंट्स में फिनिश कर सको। सर्कल आप फिनिश करना दोनों पैर थोड़ा सा दूर रखकर। गर्ल्स थोड़ा सा गर्लिश स्टाइल में ये वॉक कर सकती है, बॉयज़ थोड़ा सा हिप हॉप स्टाइल में ये वॉक कर सकते हैं, अपने हाथ क्रॉस ओपन करके बॉयज़, और थोड़ा सा एक फेमिनाइन सा पोस्चर लेके गर्ल्स। बट दोनों का टर्न जो होगा वो लेफ़्ट पैर से स्टार्ट होगा चार काउंट्स में। लेफ़्ट पैर पर आप स्टार्ट करोगे, लेफ्ट राइट लेफ़्ट और राइट रखोगे, थोड़ा सा पैर आपस में थोड़ा सा दूर रहेंगे, और हाथ का ऐसा पोजीशन जिसमें रिस्ट आपकी ड्रॉप रहेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट मोमेंट में आपको कमर के साथ अपना रिस्ट राइट लेफ़्ट ऐसा स्विंग करना है। तो जैसे ही आप सेकंड पोजीशन पर आओगे, आपको कमर मूव करनी है राइट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट और फिर लेफ़्ट, ऐसा चार चार बार आपको करना है। तो इतना एक बार हम कर लेते हैं। जैसे कि लेफ़्ट पैर आपने उठा के स्टार्ट लिया, गर्ल्स बॉयज़ का स्टाइल दोनों का अलग अलग रख सकते हैं। सेकंड पोजीशन मतलब पैर दूर दूर रखकर आपको फिनिश करना है, और कमर के साथ अपनी रिस्ट भी स्विंग करनी है। अब इसके बाद आपको हाथ से एक सर्कल ड्रॉ करना है, मगर उसी के साथ राइट पैर ऐसा क्रॉस कर लेना है। राइट पैर क्रॉस करने के बाद आपको ऐसा रिमेनिंग टर्न करना है, और हाथ अपना चेहरे के ऊपर मुँह के ऊपर रख लेना है, क्योंकि उसी दौरान एक स्क्रीम की आवाज़ आएगी, एक चीखने की आवाज़ आती है गाने में। तो इतना हम शुरुआत से आपको बता देते हैं। फर्स्ट ट्यून पे अपने हाथ पंच करके सामने फ्रंट लिया,
सर्कल ड्रॉ किया सेकंड ट्यून पे, थर्ड ट्यून पे हाथ फेंके और ये ट्यून पर कैच किया। डबल्स में ये कॉम्बिनेशन करना है, एक हाथ उठाकर, फिर दोनों हाथ उठाकर, फिर भांगड़ा स्टाइल में तीन मूवमेंट्स और फिर एक क्लैप, फिर तीन मूवमेंट्स और फिर एक बार क्लैप। पैर लेफ्ट पैर से स्टार्ट करके एक चार काउंट्स पे चल के सर्कल करना है। चार काउंट्स पे आपको ऐसा कमर स्विंग करना है, पैर क्रॉस करना है, टर्न करना है और हाथ अपने मुंह पे रख लेना है स्क्रीम की आवाज़ पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको हाथ अपने चेहरे पर रखना है, होंठों पर रखना है जब गाने में चीखने की आवाज़ आती है एक। उसके बाद आपको राइट पैर बाहर रखना है, अंदर रखना है, ऐसे लेफ़्ट पैर भी बाहर और अंदर रखना है, फिर दो बार राइट पैर बाहर फिर अंदर, बाहर फिर अंदर। इसके साथ आप हैंड मूवमेंट कर सकते हैं, दोनों हाथ आप शेक करना, जैसे पैर बाहर रखो हाथ अंदर ले लेना पैर के साथ। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड भी करना है, मगर जब आप डबल्स में करो तो हाथ क्रॉस करके स्टार्ट करना, हाथ ओपन होंगे फिर क्रॉस होंगे, फिर ओपन होंगे और फिर क्रॉस होंगे। तो ये कुल मिलाकर आठ काउंट्स पे मूवमेंट ऐसा लगेगा, 1 2 3 4, फिर हाथ क्रॉस किए, ओपन एंड क्लोज, 7 8 फिनिश होगा पैर जॉइन करने के साथ। इसके बाद हमें ऐसे तीन क्रॉस स्टेप्स करके आगे जाना है और फिर पैर ओपन करके एक पोजीशन ले लेनी है। हाथ आपको अपने चिन पे रखना है, थोड़ा सा आगे झुक के दो बार कमर का मूवमेंट और थोड़ा सा पीछे झुककर दो बार कमर का मूवमेंट। फिर आप राइट पैर उठाने के साथ थोड़ा नेक मूवमेंट के साथ राइट पैर उठाओगे दो बार और फिर दूसरा हाथ अपने गालों पर रखकर दो बार लेफ्ट पैर उठाओगे। जैसे ही पैर उठाओगे आप उसको डायरेक्टली रखने के साथ चेहरे के सामने से तीन बार अपना हाथ ऐसे मूव करना और दोनों पैर ज्वाइन करने के साथ अपने लेफ्ट हैंड साइड दोनों हाथ आपको पॉइंट करने हैं। अब दोनों हाथ आप पॉइंट करोगे, यहाँ तक हम आपको बता देते हैं, फर्स्ट पैर ज्वाइन करने के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आगे गए 1 2 3, पैर दूर दूर रखे, पोजीशन लिया राइट हैंड के साथ दो बार कमर के साथ आगे और पीछे, राइट पैर उठाने के साथ लेफ्ट पैर उठाने के साथ और चेहरे के साथ सामने तीन बार मूवमेंट करने के बाद आपको पैर ज्वाइन करके फर्स्ट पोजीशन। रहेगी आपको हाथ ऐसे रिस्ट पॉइंट करना है, क्लिक करना है, नॉडिंग भी करनी है और बाउंस भी करना है, नीज से बेंड करना है। लेफ्ट पैर साइड में रख के आपको ये हाथों की पोजीशन लेनी चाहिए, चाहो तो आप मुट्ठी बांध लो, चाहो तो हाथ खुले रखो, बट राइट पैर ऊपर उठाने के साथ आपको ये मूवमेंट करना है दो बार। फिर से सेम पोजिशन पर पहुँच के ये पूरा कॉम्बिनेशन स्टेप्स हमको रिपीट करना है। तो आठ काउंट्स का ये मूवमेंट हो गया, बट जब आप ये मूवमेंट करो राइट पैर उठाओ तो राइट पैर दो बार उठाने के बाद उसे रखने के साथ एक वेव आप शुरुआत करो, पूरा वेव दो काउंट्स पे फिनिश करो और अपने हाथ ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह ऐसे शेक करो, थोड़ा सा बाउंस करने के साथ, नीज बेंड करने के साथ। इसके बाद जो दोस्तों मेन पार्ट है गाने का, काला चश्मा जितता है, इस पर हमने कोशिश करी कि ओरिजिनल स्टेप से मिलती जुलती स्टेप्स ही रखें जो गाने में हैं कटरीना और सिद्धार्थ के ऊपर। तो गाने आप भी अच्छे से करेंगे और लोग भी गाने के स्टेप्स को पहचान पाएंगे। तो वही सेम स्टाइल में हमने स्टेप्स रखी, आपको राइट पर उठा के रखने के साथ वेट शिफ्ट करना है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट और आपको थोड़ा सा टर्न भी कर लेना है, राइट डायगोनल से लेफ्ट डायगोनल,
इसके साथ आपको हाथ का मूवमेंट करना है। जैसे आप ये मूवमेंट फिनिश करोगे, राइट पैर के साथ हाथ से पूरा ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है एंड द मूवमेंट आपका एल्बो बैंड हो जाना चाहिए। इसके बाद आपको ऐसे नीज अंदर की तरफ टर्न करके फ्लिप करने हैं अंदर की तरफ, और अगर फ्लिप नहीं होते तो आप इस तरह नीज बैंड करके बाउंस भी कर सकते हो। बट हाथ ऊपर से नीचे की तरफ 3 बार के बाद एक क्लैप के साथ पैर उठा लो। उसके बाद यही मूवमेंट दूसरी तरफ भी लेफ्ट हैंड के साथ करो, 3 बार मूवमेंट के बाद क्लैप के साथ पैर आप उठा लो। तो ये हमने मूवमेंट किया राइट हैंड के साथ 3 के बाद क्लैप, लेफ्ट हैंड के साथ 3 मूवमेंट ऑफ क्लैप। जैसे ही पैर उठा के आप रखोगे आपका ट्यून के साथ सिंगल सिंगल डबल कॉम्बिनेशन में ये वाला मूवमेंट रहेगा। पुल करना है आपको सिंगल हैंड से, ये कॉम्बिनेशन को आप आगे बढ़ाओगे दोनों हाथों के साथ सिंगल सिंगल डबल, मतलब एक बार फिर 2 बार, और आप लास्ट 4 काउंट्स पे 2 कदम आगे जाओगे, हाथ ऐसे शेक करोगे और एक हाथ का मूवमेंट पोजीशन लेके आपको दोनों पैर साथ में जॉइंट करना है। आप मीनवाइल जो गाना यहाँ से जो चेंज होगा उसमें आप क्या कर सकते हो, आप चश्मा, काला चश्मा अपना अपने टी शर्ट में या अपने पॉकेट में रख सकते हो और इस दौरान चश्मा निकाल के पहन सकते हो, और जो 4 काउंट्स आखिरी के जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से आप डांस कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपको पैर उठा के ऐसे रखने के साथ 2 बार हाथ ऐसे पॉइंट करना है, फिर से हाथ ऐसे शेक करना है और फर्स्ट पोजिशन पर जंप करना है पैर ज्वाइन करके। यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, जो मूवमेंट हमने पहले किए थे वही करना है। राइट हैंड के साथ हम ये मूवमेंट कर चुके हैं 4 काउंट्स पे। तो ये 4 काउंट्स में मूवमेंट करने के बाद आपको हाथ थ्रो करना है 4th काउंट पे। मूवमेंट कंटिन्यू करना है दोनों हाथ के साथ, हाथ थ्रो करना है इस बार लेफ्ट साइड, और जो काला चश्मा की स्टेप पिछली बार राइट हैंड से करी थी इस बार हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे, और सेकेंड टाइम आप राइट हैंड से करोगे। चश्मा पकड़ के पैर बाहर अंदर, थोड़ा सा नीज सॉफ्ट रखना है, बैंड होना है, ये मूवमेंट लेफ्ट साइड भी करना है हाथ बाहर करके, फिर चश्मा पकड़ के ये मूवमेंट फिर से करना है, पैर क्रॉस करना, एक साउंड सा आता है जिग 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 करके, उस पर आपको टर्न करना है, और इम्प्रेसिव मूवमेंट बनाने के लिए आप अपने हाथ को ऐसे फास्ट सर्कल्स भी कर सकते हो, उससे मूवमेंट और अच्छा लग सकता है। आप मूवमेंट सर्कल कर लो अपने हाथ के या हाथ शेक कर लो और दोनों पैर ज्वाइन करके ये मूवमेंट ख़त्म करो। तो काला चश्मा बार बार रिपीट होता रहेगा, तो अपना चश्मा पकड़ के आपको सिर्फ वेट ट्रांसफ़र करना है लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट पैर राइट पैर, लेफ्ट पैर राइट पैर। अब यहाँ से लेफ्ट पैर जो आपने उठाया है उसे रखना, उसे 2 बार उठाना जिससे आप तारीफ़ करते हो किसी की, और चेहरे के सामने से हाथ ऐसे करना राइट पैर उठाने के साथ। तो ये मूवमेंट जैसे आपने पैर क्रॉस किया, टर्न किया, आपने चश्मा पकड़ के लेफ्ट राइट ऐसे पैरों पर शिफ्ट किया, तारीफ़ करने के स्टाइल में 2 बार लेफ्ट पैर उठाया और चेहरे के सामने से हाथ करने के साथ 2 बार राइट पैर उठाया, फिर यहीं से एक हाथ से पॉइंट करने के साथ स्टेप रखना वापस लेना, हमें ऐसा 3 बार करना है एक हाथ के साथ दूसरे हाथ के साथ सेम मोमेंट। इस बार आप इसे रिपीट करो दोनों हाथ के साथ, बट पैर वापस मत लो, आप एक पोजीशन ले लो लेफ्ट हैंड सीधा करने के साथ, और यहाँ पे म्यूज़िक के साथ वो ट्यून के साथ आपको हाथ जितना जल्दी हो सके उतना रोल करना है, एल्बो से जल्दी जल्दी घुमाना है, और जो गाने का एडिटेड वर्जन है वो यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, तो एक बीट के साथ ख़त्म होता है, उस पर आपको अपना जंप फिनिश करना है। जंप आप करोगे ये ट्यून के साथ, आप मूवमेंट करोगे उसके बाद जंप करोगे, तो ठीक जंप ख़त्म होने के साथ अपना चश्मा उतारना, पहन लेना, और उसके बाद फिर आप
कोई सा भी पोज दे सकते हो, बॉयज़ थोड़ा सा स्टाइलिश हिप हॉप स्टाइल में या थोड़ा मस्कुलर पोज दें, गर्ल्स थोड़ा फेमिनाइन सा क्यूट सा पोज दें। तो इतना हम आपको थोड़ा सा फास्ट विदाउट सॉन्ग करके बता देते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो जैसे ही शुरू हुआ, आपने चश्मा निकाला, पहना और आपने चार मोमेंट्स के साथ डांस स्टार्ट करा, हाथ शेक किया, हाथ थ्रो किए। ये जो ऑलरेडी मोमेंट आप कर चुके हो वही है, कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज किया है, हाथ थ्रो करने का मोमेंट हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है। ये मोमेंट भी आप कर चुके हो, ये चार चार काउंट्स पे दोनों तरफ करना है। चश्मा पकड़ के पैर बाहर अंदर रखना है, पैर क्रॉस करना है, टर्न करना है, चश्मा पकड़ के चार काउंट्स ये मोमेंट करना है। तारीफ़ करने के साथ हाथ चेहरे के सामने, सिंगल एंड पॉइंट, सिंगल एंड पॉइंट, दोनों हाथ से हाथ का पोजीशन, रोल किया हाथ, जंप किया, चश्मा उतारा, साफ़ किया, पहन लिया, स्टाइल के साथ पोज दिया। यहाँ पे गाना ख़त्म। जो गाने का एंडिंग पार्ट है वो कपल डांस के हिसाब से भी आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। Beat drops out.